भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं, जिनका रहस्य आज तक न तो पुरातत्व विभाग जान पाया और ना ही वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंच पाए। ऐसे में भगवान को मानने वाले और न मानने वाले दोनों लोग इसे भगवान का चमत्कार ही कहते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम भी देते हैं। हर जगह बस यही कहा जाता है कि कोई ईश्वरी शक्ति है जो यह सब कर रही है, लेकिन कैसे क्या होता है इस रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। ऐसा ही एक शिव पार्वती मंदिर है जो उड़ीसा के टिटलागढ़ में स्थापित है। लोगों की इस मंदिर को लेकर काफी आस्था जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि उड़ीसा का टिटलागढ़ सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है, बावजूद इसके लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद शिव पार्वती के मंदिर का तापमान काफी कम रहता है। अतः चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़ जाए, उसके बाद भी मंदिर के अंदर इतनी ठंडक महसूस होगी जैसे कि एसी चल रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यह मंदिर कुम्हड़ा पहाड़ पर स्थित है। पथरीली चट्टानों के होने के कारण यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। टिटलागढ़ के इस शिव पार्वती मंदिर में एसी से भी ज्यादा ठंडक होती है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहाँ स्थापित देवी प्रतिमाओं से ही ठंडक आती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति से ठंडी हवा निकलती है जो पूरे मंदिर परिसर को ठंडा रखती है। पुजारी बताते हैं कि मंदिर के बाहर के वातावरण में जैसे जैसे धूप बढ़ती है, वैसे वैसे मंदिर के अंदर ठंडक बढ़ती जाती है। गर्मियों में मंदिर का तापमान इतना गिर जाता है कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। शिव पार्वती मंदिर मंदिर के बाहर गर्मी का भयानक रूप और मंदिर के अंदर एसी से भी ज्यादा ठंड। इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा काफी कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। यह बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मंदिर के अंदर और बाहर चंद कदमों की दूरी पर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु पूरे रास्ते भीषण गर्मी से परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर कदम रखते हैं वैसे ही ठंड के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन ठंड का यह एहसास मात्र मंदिर परिसर के अंदर तक ही रहता है, बाहर में वैसे ही चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बड़ और पीपल के पेड़ के तने से बने हुए इस मंदिर के निर्माण को लेकर एक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है कि यहाँ एक पुजारी तपस्या में लीन थे। इसी दौरान उन्हें ऊपर से एक मंदिर गुजरने का आभास हुआ। पुजारी ने अपनी तपस्या की शक्ति के दम पर मंदिर को वहीं उतार लिया और जगराम दुर्ग के पास स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पेड़ पर ही उतारा गया था, जिसके बाद सन 1765 में इस मंदिर में महादेव की मूर्ति स्थापित कर इसका नाम जगरामेश्वर रखा गया। इसके साथ ही मंदिर में शिव परिवार की भी स्थापना की गई। बता दें कि मंदिर करीब 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। साथ ही आप इस जानकारी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।